Assalamu alaikum students, how are you? I hope so you will be fine. Let's start our work. Page number 32. Question hai, working with words. Question number 1. Complete the following sentences in your own words. जैसा कि students आप लोगों ने पूरी story पढ़ ली है, तो इस तरह आप लोगों ने अपने जो sentences हैं ये पूरे करने हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी story याद होगी. फर्स्ट, नासिर लाइक डैश. नासिर लाइक अंकल समीर, मतलब नासिर अंकल समीर को पसंद करता था. सेकंड, नासिर कॉफ्ड होल्ड डैश. नासिर कॉफ्ड होल्ड डैश ऑफ द लीड एंड पुल द डॉग. ऑफ द लीड एंड पुल द डॉग. ऑफ द लीड एंड पुल द डॉग. थर्ड, नासिर अंकल वाज अ डैश. नासिर अंकल्स वाज अ जोली मैन. नासिर अंकल वाज अ जोली मैन. फोर्थ, नासिर वाज फ्राइटेड डैश. नासिर वाज फ्राइटेड, ही स्टार्टेड टू रन. जब नासिर खौफ ज़्यादा हुआ तो उसने क्या किया, भागने शुरू हो गया. सेकंड क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है. आप लोगों ने जिस तरह पूरी स्टोरी पढ़ ली है, तो इस तरह आपको लाइन्स बनाने में भी सही होगा. फर्स्ट है, बॉक्स इन देयर लाइफ माइस आर ब्रोकन. ये आपने हमने अब अरेंज करना है सेंटेंसेस को. पहला क्या है, थ्री माइस लाइफ इन अ ब्रोकन बॉक्स. थ्री लाइफ माइस इन अ ब्रोकन बॉक्स. सेकेंड, अंडर शेल्फ बॉक्स इन द वे. In the vase, under shelf war box, the was mine. अब इसका the first है, the box was under my shelf. मतलब ये जो box है ये under my shelf है, ठीक है. Third पे है, the noise made my something big. सबसे first पे है, sometimes the mice made a big noise. Sometimes the mice made a big noise. Fourth पे है, I go to away them told. अब इसको अरेंज करते हैं. I told them to go away. I told them to go away. फिफ्थ पे आता है, आ वाज बॉक्स सेट इट दे नाइस डैड. दे सेट दैट इट वाज अ नाइस बॉक्स. दे सेट दैट इट वाज अ नाइस बॉक्स. ये स्टूडेंट्स, से आप जाके 2 क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने अपने बुक्स पे ये राइट करना है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी बात रिमेंबर करेंगे. घरों में ठहरिए, स्टे होम स्टे सेफ. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.